दिल्ली में बदमाश बेकोफ घूम रहे हैं। दिल्ली में रोहिणी कोर्ट की घटना अभी तक सबके जहन में है। आज सुबह करीब 5 बजे दिल्ली के रोहिणी जिले के बेगमपुर इलाके में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस और बदमाश ने करीब 15 राउंड गोलियां चलाई। 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए। मुठभेड़ में दीपक नाम का बदमाश को पुलिस ने ढेर किया। 2019 में हत्या के मामले में वांटेड रह चुका है बदमाश दीपक। रोहिणी जिला पुलिस उपायुक्त पन्नव त्याल ने जानकारी देते हुए बताया कि अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस की तरफ से लगातार पेट्रोलिंग की कार्रवाई को तेज किया गया था और अपने इनपुट को भी सक्रिय किया गया था। इसी कड़ी में बेगमपुर थाने की टीम को गोगी गैंग के सहयोगी बदमाश के बारे में एक गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद एक जाल बिछाकर छापेमारी के दौरान पकड़ने की कोशिश की गई। पुलिस ने उसे सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन आरोपी बदमाश की तरफ से पुलिस पर गोलियां चलाई गई, जिसमें विकास और सन्नी नाम के 2 कांस्टेबल को गोली लगी। विकास के हाथ में गोली लगी, वहीं सन्नी के पैर में गोली लगी, जिससे दोनों पुलिसकर्मियों को गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद पुलिस की तरफ से भी जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें बदमाश को गोली लगी और वो मौके पर ही ढेर हो गया। आनंद फानंद में तीनों को नज़दीक के अम्बेडकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने बदमाश दीपक को मृत घोषित कर दिया। कांस्टेबल सन्नी और विकास का इलाज लगातार जारी है। रोहिणी जिला पुलिस उपायुक्त पंडित त्याल ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक का नाम दीपक बख्शी टाइगर है। वह रोहिणी जिले के एक वांटेड अपराधी था और अभी हाल ही में KN कार्टूस थाना इलाके में टिल्लू गैंग के बदमाश राधे की हत्या में भी शामिल था। पुलिस ने बताया कि दीपक की तरफ से 6 राउंड गोलियां चली, जवाब में पुलिस की तरफ से भी 9 राउंड गोलियां चलाई गईं। अभी पुलिस की जांच पड़ताल जारी है और इसके पीछे कितने लोग थे इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। साथ ही पुलिस जानकारी जुटाने की कोशिश करके ये बदमाश इलाके में किस मकसद से आया था, लेकिन जिस तरीके से बदमाश से सरेंडर करने की बजाय पुलिस पर गोलियां चलाई, उससे ये बात भी सामने आती बदमाशों के दिल से पुलिस का खौफ निकल चुका है, जो कि गंभीर विषय है। रोल कॉल एक मिनट रोल रोल सर, क्या पूरा मामला है? अमन बयान कर आज सुबह 5:15 बजे के करीब बेगमपुर थाने की एक पुलिस टीम ने एक हमारे ही क्षेत्र का एक वांटेड क्रिमिनल था, जो पुलिस स्टेशन KN काटजू में भी कुछ दिन पहले एक दीपक के लिए राधे, जो टिल्लू गैंग का सदस्य है, उसने मर्डर किया था। इस अक्यूज का नाम दीपक के लिए बच्ची एलियस टाइगर है। उसकी इतला मिली और उस इतला के चलते उसको पकड़ने के इरादे से हमारी टीम ने एक ट्रैप लगाया था, जिसमें ट्रैप के दौरान एक पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हुई, जिसमें हमारे 2 पुलिसकर्मी कांस्टेबल विकास और कांस्टेबल सन्नी को गोली लगी और जवाबी कार्रवाई में ये दीपक एलियस बच्ची को सेल्फ डिफेंस में फायर किया गया, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। ये दीपक एलियस टाइगर जो है, ये गोगी गैंग का शार्प शूटर है। हमारे ही 2 केसेस में वांटेड था। एक बेगमपुर का केस है, जो अभी कुछ दिन पहले हमने एक सुमित एलियस सेठी को पकड़ा था, उससे 3 पिस्टल्स बरामद हुई थी, जो पता चला कि दीपक एलियस टाइगर की है, और उसमें वो उसमें वांटेड था। एक इसी पुलिस स्टेशन KN काटजू मार्ग के केस में वांटेड था। हमारे ही एक पुराने केस में 2019 में पैरोल जंपर भी था वो, और एक रोहतक के केस में भी पैरोल जंपर है। टोटल उसकी 5 पहले की इन्वॉल्वमेंट भी मिली है, और बाकी गोगी गैंग का वो एक एक्टिव शार्प शूटर है। वो तो आगे की तफ्तीश में ही पता चलेगा। हमें इतला मिली थी कि वो आगे यहाँ पे कुछ और, जो इनकी लॉन्ग स्टैंडिंग राइवलरी चल रही है, उसी सिलसिले में कुछ और कार्रवाई करने के लिए आया था। तो उस समय जब इतला मिली, तो उस पर आगे की कार्रवाई पुलिस ने अमल में लाई। सर, जिन पुलिसकर्मियों को गोली लगी है, उनकी कैसे हालत है? वो ठीक हैं, उनको माइनर वो इंजरीज हैं, ऐसी कोई संदिग्ध बात नहीं है। वो मैंने नाम बताया, कांस्टेबल विकास और कांस्टेबल सन्नी। इसमें जैसे ही पुलिस ने इसकी मोटरसाइकिल को इंटरसेप्ट किया, इसने पुलिस टीम पर राउंड्स फायर किए। इसकी तरफ से अंदाजन 6 राउंड्स फायर हुए हैं,
और हमारी तरफ से 9 राउंड फायर हुए। सर ये मोटरसाइकिल से पहले वाली थी किसी घटना में इस्तेमाल हुई थी क्या? हाँ जी, ये जो मोटरसाइकिल है, जो वैसे ये तफ्तीश का मुद्दा है, पर जो अभी तक हमें लगता है कि ये सेम मोटरसाइकिल जो KNK में वारदात हुई थी उसमें शामिल है। ये पूरा मामला सर कितने किस टाइम का है? आज का ये सुबह